है आप लोग का मेरा चैनल पे। बहुत दिन बाद मैंने आप लोग के लिए एक नया सा एक ब्लॉग लेके आया हूँ। आज मैं जाने वाला हूँ लाचुंग जीरो पॉइंट तक, क्योंकि अभी उधर क्या है मैं भी बहुत दिनों से नहीं गया है नॉर्थ सिक्किम, इसीलिए जीरो पॉइंट का जो क्या है हलचल मैं भी आप लोग का वो दिखाने वाला हूँ, और बर्फ़ है कि नहीं, और वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, देखते रहना। अभी सिक्किम पे बहुत बारिश वर्षा हो रहा है, बारिश की वजह से सभी वाटरफॉल वगैरह भी बड़े बड़े हो चुका है, जो कि ये दिखाई दे रहा है। ये आपको रिचू मेंग वाटरफॉल बोलते हैं। मिनिमम आपको ये ऑन द वे नॉर्थ सिक्किम टू गैंगटॉक पड़ेगा। हर रोज बारिश हो रहा है सिक्किम पे, अभी रास्ता बंद होने का चांसेस भी आपको 80% है। और ये जो दिखाई दे रहे ये है नागा वाटरफॉल, आपको गैंगटॉक से मिनिमम 70 किलोमीटर आगे देखने के लिए मिलेगा। पूरा ऊपर लैंडस्लाइड की वजह से थोड़ा ये वाटरफॉल वगैरह भी थोड़ा काला काला होके आ रहा है। ये है हमारा जो कि गैंगटॉक से लाचुंग आते वक्त में हम लोग का रोकने का जगह है, और हर ड्राइवर इधर रुक के और चाय वगैरह पी लेता है, थोड़ा रेस्ट भी लेता है, क्योंकि यहाँ से आधा घंटा में लाचुंग पहुँच जाएगा। और सामने बहुत अच्छा नज़ारा है, पूरा वाटरफॉल का सीन दिखाई दे रहा है। और ये एक छोटा सा गांव है, ये गांव का नाम है बोप, बोप बोलता है। मिनिमम आपको ये 7000 हाइट फुट ऊंचाई पे है। हमारा दीदी दीदी आ छे ना, पोटी नहीं करेगा आप लोग? तुम ब्लॉग बनाते हो क्या? ये पोटी करने का जगह है, इधर पोटी करने के लिए आइए आप लोग। हाँ पोटी करिए दादा, क्योंकि जहीं कहीं पोटी करना नहीं मिलता है, रास्ता पे नहीं है, इसीलिए ये जगह पे पोटी करना पड़ेगा, आप लोग आ जाइए। ये अंदर है, ये हमारा दुकान, हम लोग यहाँ खाता है पीता है थोड़ा। आयु के छ खाजा, लाइट छैन? दीदी क्या क्या मिलेगा? हाँ मैगी मिलेगा। क्या बना रहा है, किसका किसका किस चीज का ये? वेज का। वेज कितना है एक प्लेट का? 50 रुपीज। और दीदी हमारा दीदी की कर छे ये था, हेर्नुस् न यहाँ बर्तन दो छे लो मोबाइल दे दिस। आयु चाय वगैरह मिलेगा इधर आप लोग का, कुछ मोमो। और यहाँ से लाचुंग मिनिमम आधा घंटा लगेगा, हम लोग अभी जा रहा हूँ लाचुंग की तरह। और ये है अमिताभ बच्चन वाटरफॉल, जो कि लाचुंग पहुँचने में आपको आधा घंटा बाद मिलेगा। गैंगटॉक से मिनिमम आपको 110 किलोमीटर में ये वाटरफॉल देखने के लिए मिलेगा, और बहुत अच्छा है ये जगह। बहुत भीड़ भाड़ होता है, और क्योंकि वाटरफॉल भी बहुत अच्छा देखने लायक का है, इसीलिए हम लोग जब आ रहा है तो इस जगह पे रोक देता है, क्योंकि इधर आके जो ये वाटरफॉल देखने का मज़ा ही थोड़ा अलग सा मिलेगा, क्योंकि इसका नाम ही काफ़ी है अमिताभ बच्चन वाटरफॉल। फाइनली मैं अभी लाचुंग पे हूँ, जो कि 9000 हाइट फुट ऊंचाई पे।
और अभी ठंडी उतना नहीं है लाचुंग पे, क्योंकि गर्म का मौसम हो रहा है, जो कि ये दिखाई दे रहा है पूरा लाचुंग का व्यू है। मैंने होटल का ऊपर से लिया है ये व्यू, और जितना भी ये दिखाई दे रहा है सभी ये होटल है। और सिक्किम तो सभी टूरिज्म ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि इधर खेतियाँ भी होता है गेहूँ से लेके आलू ऐसे ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा, उतना ज़्यादा तो नहीं है। और इस जगह पे ज़्यादा सा भूटिया रहते हैं और टिबेटियन, क्योंकि जो कि लाचुंग में रहने लोग को लाचुंगफा बोलता है, और लाचेन पे रहने वाला लोग को लाचेनफा भी बोलता है। और ये लोग का रिलीजन बुद्धिस्ट है, बहुत सा अच्छा है और प्यारे भी लगता है ये लोग को देखने से। और लाचुंग लाचेन नॉर्थ सिक्किम पे अभी तक मेरा एक एक्सपीरियंस है, और क्योंकि इधर का होटल अच्छा ही रहता है, लेकिन सब कुछ अच्छा है, नेचर अच्छा है, इधर का जगह अच्छा है, फिर भी एक चीज़ थोड़ा हमको भी बुरा लगता है। मेरा छोड़ के सभी घूमने वाला लोग जितने भी आते हैं वो लोग को भी एक बुरा ही है, क्योंकि होटल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन खाना पीना थोड़ा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग को बनाना भी उतना नहीं आता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा होटल लिस्ट पे देता है वो लोग। सभी जो नीचे रहने वाला लोग ने लिस्ट पे लेता है होटल, इसीलिए थोड़ा खाना में थोड़ा कंप्लेन आता है। मैं अभी जो कि युमथांग का रास्ता पे हूँ, जो कि इस जगह को फुंगी एक वैली बोलता है, मतलब फुंगी वैली, देखने में बहुत सा एक प्यारे लग रहा है, चारों तरफ पूरा ग्रीनरी सीन दिखाई दे रहा है। और मैंने भी सोचा क्यों ना थोड़ा सा रुक के एक वीडियो बनाऊं, और जो कि ये फ्लावर दिखाई दे रहा है, इस फ्लावर को एक कोपरा फ्लावर भी बोलता है, क्योंकि ये एक सांप जैसे दिखाई दे रहा है इसीलिए। ये है युमथांग वैली, जो कि 12,000 हाइट फुट ऊंचाई पे है, देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, अभी फूलों का टाइम नहीं है, इसीलिए फूल देखने के लिए थोड़ा आगे जाना पड़ेगा 0 पॉइंट की तरह, लेकिन आप लोग का परमिशन यहीं तक होगा, मैं अभी जा रहा हूँ 0 पॉइंट के लिए। ये है एक कॉफ़ी सेंटर, जो कि इधर गरम गरम चाय मिलेगा आपको, समोसा जुलाबी, क्योंकि ये एक मिलिट्री फौजी का है, ये टूरिस्ट का सेवा के लिए बना के रखा है फौजी लोग ने, जो कि इसका लोकेशन है शिवा मंदिर, 13,000 हाइट फुट ऊंचाई पे है। जब आप लोग 0 पॉइंट की रास्ता जा रहे हैं तो इस जगह पे ज़रूर रोक लीजिए, क्योंकि थोड़ा सस्ता और अच्छा मिल जाता है इधर, साथ में गरम गरम कॉफ़ी भी मिलेगा, जो कि ये नीचे दिखा दे रहे सभी लोग उधर खा रहा है पी रहा है, क्योंकि यही जो छोटा सा मकान। कोलकाता टालीगंज से इसी खूब सुंदर दृश्य, दोस्तों मैं अभी 13,700 फुट ऊंचाई पे हूँ, जो कि अभी मैं जा रहा हूँ 0 पॉइंट की तरफ, यहाँ से मिनिमम हमको आधा घंटा लगेगा। और युमथांग वैली पे तो फूल नहीं है, लोग वगैरह कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप लोग फूल देखना है तो 0 पॉइंट की तरह आना पड़ेगा, बहुत अच्छा है जगह। ये भी एक लॉलीपॉप फ्लावर, क्या बोलता है फूल को, लॉलीपॉप फ्लावर बोलते हैं, लॉलीपॉप, ये भी एक लॉलीपॉप फ्लावर जैसे है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का है। और युमथांग वैली पे तो फूल नहीं था ना, युमथांग वैली पे अभी कुछ भी नहीं है, आप लोग फूल वगैरह देखने के लिए 0 पॉइंट की तरह ही आना पड़ेगा, 0 पॉइंट का रास्ता पे बहुत
फूल है जो कि ये वैली देख सकते हैं, है ना? हाँ, ये फोटो तुले, फोटो फोटो लेंगे। हाँ, बहुत सारे फोटो लेगा साथ में। अरे वाह, फूल पड़ा हमारा साथ ना। बहुत लोग आए हैं, लेकिन सभी गाड़ी इधर नहीं रुकता है, है ना? हाँ, स्पेशली लेकिन हाँ, मैंने तो थोड़ा जानबूझकर जहाँ अच्छा जगह है वहीं रोक दिया है। आप लोग नहीं तो आप लोग फूल देखने के लिए आ रहे हैं। हाँ, फूल का नाम क्या है सर? ये लॉलीपॉप फ्लावर बोलते हैं। लॉलीपॉप दारुण, एक्सेलेंट, टोटल व्यू तो ही भालो। और यमथंग अच्छा, टोटल व्यू अच्छा है। यमथंग में तो ऐसा फूल नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी तक तो नहीं देखा। ये सिर्फ यमथंग में अप्रैल में मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा। उसके लिए तो ये 0.8 आना पड़ेगा ना दादा? हां, भालो लगसे दारुण। हां, नेक दारुण है दादा। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। हां, फूलों वगैरह देख लीजिए, छवि तुले मजा इसी में। और 0.8 में तो बर्फ़ है कि नहीं अभी कोई गारंटी नहीं है, फिर भी मैं जा रहा हूँ। और काला पत्थर में तो गारंटी है, काला पत्थर में कभी काला पत्थर का भी जो पिघलते जा रहा है उधर का बर्फ। और आप लोग आ जाइए फूलों देखने के लिए, क्योंकि 0.8 का रास्ता भी मिलेगा फूल तो अभी। और यमथंग में कुछ नहीं है, फूल भी नहीं है अभी, इसलिए जब आप लोग यमथंग आ रहा है तो 0.8 तरह आप लोग आ जाइए, फूल भी देखने मिलेगा, बर्फ़ तो नहीं मिलेगा मेरा ख्याल में। इसीलिए आप लोग उतना दूर से आया है फिर भी यमथंग तक आकर कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग 0.8 तक आ जाइए, थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके वही बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए। ये तो पूरी पूरी स्विट्जरलैंड है दीदी, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड है दीदी। हाँ, स्विट्जरलैंड की तरह दिखाई दे रहा है। देखो वही तो हम अपने देश का नहीं देखते, स्विट्जरलैंड चले जाते। स्विट्जरलैंड जाने का दरकार नहीं है रे, इधर ही आइए। सिक्किम में स्विट्जरलैंड है, लेकिन देखना पूरा स्विट्जरलैंड का पहाड़, पूरा ये लाल वाला पहाड़ दिखाई दे रहा है आगे सामने। बाप रे बाप बाप बाप, की दारुण लक्ष्य, की दारुण। ये एक ग्रास फ्लावर भी बोलते हैं इसको, जो कि रोडोडेंड। ये बहुत सा कलर में भी पाया जाता है, देखने में बहुत प्यारे लग रहा है। लेकिन जब आप लोग इस फूल को चुरा के आप खाने का कोशिश मत करना, क्योंकि ये एक आप लोग के लिए पॉइजन भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ आगे की तरह बर्फ देखने के लिए। बर्फ मिलेगा कि नहीं फिर भी उम्मीद है। और जो कि जब आप लोग आ रहे हैं तो यमथंग वैली तक होगा आप लोग का टूरिज्म से पैकेज, क्योंकि यमथंग वैली से आगे जाना नहीं देगा 0.8, इसीलिए उसके लिए थोड़ा अलग सा स्पेशल परमिट करके जाना पड़ेगा ऊपर यमथंग की आगे से। और उसके लिए आप लोग का एक गाड़ी का 3000 से लेके 3500 तक पड़ेगा, आप लोग का वही सिचुएशन देख कर जाना पड़ेगा। Too hard.
अभी टेम्परेचर बहुत गर्म है, उतना ठंडा नहीं है। बहुत सारे याक वगैरह भी देखने के लिए मिल रहा है इधर। फाइनली अभी मैं 0 पहुंच चुका हूं, जो कि ये पीछे का जो नज़ारा दिखाई दे रहा है ये 0 है। मिनिमम मैं अभी 15,000 हाइट फुट ऊंचाई पे हूँ और इधर बहुत तेज से हवा भी चल रहा है और देखिए बर्फ वगैरह सब कुछ निकल के गया है। अभी बर्फ नहीं है 0 पे, क्योंकि फिर भी आप लोग आ सकता है 0, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एक सबसे लास्ट पॉइंट है, यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है। अगर बर्फ के लिए आप लोग काला पत्थर जा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए 2 नाइट 3 डेज करना पड़ेगा, वो लाचेन पे पड़ेगा। और फिर भी बहुत सा बढ़िया है जगह। बहुत सा लोग आ रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आप लोग जब यमथंग की तरह आ रहा है तो 0 मिस मत करना। और यमथंग में अभी फ्लावर नहीं है, क्योंकि अप्रैल पे फ्लावर मिलता था, अभी उधर का फ्लावर ख़त्म होते हो अभी आगे की तरह जा रहे हैं, क्योंकि 0 का रास्ते पे फ्लावर मिलेगा। और फ्लावर देखने हैं तो आप लोग 0 की तरह आ सकता है। पूरी सूखे पड़ा है ये जगह, यहाँ से मिनिमम 1/2 किलोमीटर तक रास्ता था 0 लेकिन बहुत सा गाड़ियाँ आया है इधर, मिनिमम 400-500 गाड़ी आया है, इसलिए मैं उधर तक जा नहीं पाया। बहुत सा ट्रैफिक था, इसीलिए मैंने आप लोग को यहीं से देखने के लिए ट्राई किया है। और दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक होगा, क्योंकि मैंने आपका जो ये 0 का जो अपडेट है, ये अपडेट देने के लिए मैंने एक ब्लॉग बनाया है। अगर आप लोग को कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग का एक छोटा सा हेल्प की वजह से मेरा को भी थोड़ा वीडियो बनाने का एक मन करता है। इसीलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए बाय बाय।